सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। परिवेश ग्रामीण लेकिन चुनाव नगर का, ये हाल है पलामू जिला मुख्यालय मेदनगर नगर निगम का। और हम खड़े हैं वार्ड नंबर 1 में, जहां माहौल पूरी तरह से ग्रामीण है। जिस इलाके को अगर कहें तो नदियों से घिरा हुआ है, लेकिन इस इलाके में कहीं ना कहीं हर एक मूलभूत सुविधाओं का अभाव दिखाई पड़ता है। चाहे सड़क की बात करें, पानी पेयजल की बात करें, व्यवस्था सप्लाई की, या फिर बिजली या अन्य व्यवस्थाओं को। और इन मुद्दों को हम जनता से जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि जनता ही का ही ये पर्व है और इस चुनावी पर्व में कहीं ना कहीं इनका जिम्मेदारी है। आइए समझते हैं थोड़ा सा क्या कमियां हैं, क्या समस्याएं हैं यहाँ। बोला समस्याएं तो बहुत है, रोड नहीं है, लाइन वगैरह तो नहीं रहता है, ठीक से पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी सिंचाई का साधन नहीं है। क्या लगता है क्या खास जरूरत है सिंगरा को, वार्ड नंबर 1 को? वार्ड नंबर 1 तो होना ही नहीं चाहिए था, ये बहुत गलत हुआ है। अच्छा, ये जो है सो प्योर ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ हम लोग कृषि पर निर्भर हैं, और ये गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा गलत नीति है कि इसको जो है सो नगर निगम में शामिल कर लिया गया। यहाँ बहुत गरीब तबका के लोग हैं, हम लोग खेती बाड़ी करके गाय गोरु पाल करके पशु जीवन यापन कर रहे हैं, और ये टैक्स का बोझ जो है सो कहाँ से हम लोग दे पाएंगे। जमीन का टैक्स देना होगा, मकान का टैक्स देना होगा। आज न कल तो नगर में तब्दील होता ही, अगर आज हो गया तो कहीं ना कहीं अब इस दिशा में बढ़ने की जरूरत है कि हमें अब उस परिवेश को जीना होगा। उस परिवेश को जीना होगा तो आखिर कैसे जिएगा आदमी, कहाँ से जिएगा, आत्महत्या करेगा, क्या करेगा? उसके सिवा तो दूसरा कोई रास्ता नहीं, आमदनी है नहीं और खर्चा ज़्यादा। चलिए तो उसमें के लिए कैसे प्रतिनिधि की दरकार है आप लोगों को? क्या प्रतिनिधि के तो हमको दरकारें नहीं है। अच्छा, प्रतिनिधि का तो यहाँ प्रश्न ही नहीं उठता है। हम लोग इस पर लड़ाई लड़ेंगे कि इसको जो है सो देहात क्षेत्र ही रहने दिया जाए, इसको निगम में नहीं अभी शामिल किया जाए। गुस्सा अभी भी है जी, कहीं ना कहीं जिन मुद्दों की बात थी, जो चर्चा आम था, वो कहीं ना कहीं छूट गया। कहीं ना कहीं सिंगरा को जोड़ करके सिंगरा अपने आप में ठगा महसूस करता है। क्या लगता है क्या कैसा प्रतिनिधि चाहिए जो सिंगरा की समस्याओं को दूर कर सके? सिंगरा के समस्या में सिंचाई के पहला नंबर समस्या है। हाँ। तीन तरफ से नदी है, लेकिन कोई सिंचाई का यहाँ साधन नहीं है। और कोई ईमानदार छवि का नेता चाहिए हम लोगों को, जो ईमानदारी से निभाए। अभी तक ईमानदार छवि के मिले हैं कि नहीं? अभी तक तो कोई नहीं मिला ईमानदार छवि का। सब लोग मिले तो वैसे ही मिले जैसे कि मैंने है अभी फिलहाल में। इस सरकार का नीति इतना गलत है, ये सरकार जो भी चल रही है उसका नीति बहुत गलत नीति से चल रहा है। कागजी काम खाली होता है, विकास का कोई काम आज तक कोई भी क्षेत्र में नहीं कर पाए, किसी भी क्षेत्र में वो विकास नहीं कर पाए। और आप लोग नगर निगम, आप लोग बुजुर्ग हैं, आप लोग को लगता है कि आप लोग के लिए विशेष कोई व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ रही? कोई विशेष व्यवस्था नहीं दिखाई रही है। 70 साल 80 साल के लोग हैं, लेकिन न यहाँ मुखिया वहाँ किसी को वृद्धावस्था पेंशन तक नहीं दियाया, न किसी को आवास मिला, किसी को कुछ नहीं आज तक मिला। ये हो रहा है अब नगर निगम, तो जवाब मांगेंगे इस बार आएंगे तो? हाँ, जवाब तो इसका मांगना ही होगा। और नगर निगम जो हुआ, ये नगर निगम के चलते हम लोगों को इतना टैक्स का बोझ बढ़ेगा कि हम लोगों को जमीन बेच करके समूचा टैक्स को वसूल देना। सुन रहे हैं ना, गलती नहीं है। जमीन बड़ी ताजा खबर है। हाँ। सिंगरा गुस्से में है। क्या लगता है गार्जियन, क्या लगता है कि बुजुर्गों के लिए कुछ होना चाहिए? बुजुर्गों के लिए कोई सोचता है नहीं, कोई ऐसा प्रतिनिधि आता है? ऐसा कोई अभी तक प्रतिनिधि नहीं आया किसी के बारे में। हम लोगों को 82 साल उम्र हो रहा है, लेकिन वृद्धा पेंशन तक अभी तक नहीं मिला है। अच्छा, वृद्धा पेंशन तो 60-65 के बाद सबको मिलना है, लेकिन किसी को अभी तक नहीं मिला। सुनिए जनाब, प्रतिनिधि बनने के लिए तो चुनाव आता है और खड़े हो जाते हैं। सुन लीजिए जरा, और कहीं ना कहीं इसलिए सुन लीजिए, करना आपको है। 5 साल जनता इस बार जागरूक है, नोच के रख देगी। हाँ बोलिएगा जी।
और उसके बाद इंदिरा आवास। अच्छा, यहाँ पे खेती है, पशुपालन है, इन सब व्यवस्थाएं हैं? खेती की तो व्यवस्था है, लेकिन पानी के साधन नहीं है। यहाँ एक तो लिफ्ट इरिगेशन था, वो भी खत्म हो गया। हम लोग इनको कहे बीडी राम को कि उसको बनवा दिया जाए, तो कम से कम खाने पीने के लिए हम लोगों को आराम हो जाए। आते हैं कि नहीं विधायक संसद? कभी नहीं। विधायक तो चिन्हबो नहीं करते हैं। विधायक हम लोग पहचानते नहीं, विधायक तो पहचानते भी नहीं है। और बीडी राम जो वादा करके गए, आज तक वो आए नहीं किए, चार साल चेहरा भी नहीं दिखाते हैं। बड़ी समस्या है। युवाओं के लिए क्या लगता है, कोई युवा पढ़ना चाहता है बाहर जाके, कोई युवा खेलना चाहता है, कोई युवा कुछ और करना चाहता है, कोई व्यवस्था दिखाई पड़ता है, कुछ मिलता है? नहीं नहीं, यहाँ तो अभी तक कुछ मतलब व्यवस्था है नहीं। और युवा लोग जो भी हैं, अपने दम बल बूते पर खेल कूद रहे हैं। यहाँ जो भी ऐसे ग्रामीण हैं अपना, और हम चाहते हैं कि नरदेव राम को भी सपोर्ट किया जाए, ताकि वो युवा मोर्चा भी हैं और मतलब कर्मशील आदमी हैं, प्लस कि हम लोग को सबको मतलब सूझबूझ अच्छा रखते हैं। वो तो है, बातों से भी नरदेव राम का कुछ ना कुछ झलका तो जरूर है, विजन झलका है। चलिए, इन सब की इतर एक बात हम आपको समझा देते हैं। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेएमएम हो, जेवीएम हो, बीएसपी हो, आरजेडी हो, या निर्दलीय, तमाम हर किसी के लिए बस एक ही बात, वो काम करना होगा। और काम करने का जो जज्बात रखते हैं, वही चुनाव लड़ें। बाकी सिर्फ जीने के लिए, कहने के लिए नगर, और रहने के लिए ग्रामीण न बनाकर छोड़ें। ए नदेव दादा, जल्दी यहां बाबा को दिखा दीजिए मेरा वाला।